सावर योग आज मैं फिर आपके बीच में आया। जैसे कि मैंने आपको बताया पुरानी वीडियो में सेशन ट्रायल के बारे में, सेशन ट्रायल क्या होता है, कितनी सेक्शन होती है। सेशन ट्रायल 225 से लेकर 237 तक है सीआरपीसी, और सम्मन ट्रायल के बारे में आज मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने वारंट ट्रायल के बारे में बताया जो 238 से लेकर 250 तक है। माई डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो लॉ के विद्यार्थियों के लिए, लॉ के स्टूडेंटों के लिए, जो भी एलएलबी पढ़ रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है, और जो कानून की नॉलेज को समझना चाहते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। माई डियर फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक करें, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ। माई डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगा सम्मन ट्रायल। इजी भाषा में भी बात करूंगा, अकॉर्डिंग टू एक्ट भी बात करूंगा। सम्मन ट्रायल 251 से लेकर 259 तक, 251 to 259 टिल, दैट इज सम्मन ट्रायल। हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही सेक्शन हम लेते हैं, सेक्शन 251 ऑफ सीआरपीसी, सब्सटेंस ऑफ एक्शन टू बी स्टेटेड। माय डियर फ्रेंड्स, यह सेक्शन हमें बताता है कि आरोपों का उल्लेख किया जाना, यानी कि कोई भी जो आरोप है उनको बताया जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, वैन इन ए सम्मन केस द एक्यूज अपेयर और इज बाउट बिफोर द मजिस्ट्रेट, द पार्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस ऑफ विच ही इज एक्यूज शैल बी स्टेटेड टू हिम एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर द प्लीड्स गिल्टी और हैज एनी डिफेंस टू मेक, बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज। माई डियर फ्रेंड्स, जब सम्मन केस में किसी भी एक्यूज को या किसी भी आरोपी को पेश किया जाता है या मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, तो उसके द्वारा किए गए अपराधों का वर्णन किया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा, बताया जाएगा, और उससे कहा जाएगा और उससे पूछा जाएगा क्या वह दोषी है या बनने के लिए या उससे बचने के लिए कुछ है आपके पास, आपने यह किया है नहीं किया है, या बनाने के लिए कोई बचाव है। लेकिन औपचारिक शुल्क लगाना आवश्यक नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं सेक्शन 252 ऑफ सीआरपीसी, कन्वेंशन ऑन अपील ऑफ गिल्टी। माय डियर फ्रेंड्स, दोषी की याचिका पर सजा, यानी कि जो कन्विक्ट किया गया है उसको सजा के बारे में बताया गया है। जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स, कि इफ द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, अगर एक्यूज यह स्वीकार करता है मजिस्ट्रेट के सामने, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द अपील, मजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करेगा एज ए नियर एज ए पॉसिबल इन द वर्ड्स, जो जिन उसी वर्डों में जो वह बोलता है, बाय द एक्यूज एंड मीन इन हिज डिस्क्रेशन कन्विक्ट हिम देयर ऑन। अगर आरोपी दोषी करार देता है तो मजिस्ट्रेट आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को रिकॉर्ड करेगा और अपने विवेक से दोषी करार देगा। माय डियर फ्रेंड्स,
आगे मैं बात करता हूँ 253 ऑफ सीआरपीसी, कन्वेंशन ऑन पील ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज इन पीटी केसेस। माय डियर फ्रेंड्स, शूद्र मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी की याचिका पर सजा। शूद्र मामले मीन्स पीटी, मैं आपको बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, पीटी जो शब्द यहाँ लिया है मीन्स डर्टी स्मॉल फिलिपेंट, इसके कई मीनिंग होते हैं, प्रीटी स्मॉल फिलिपेंट सेमलेस। माय डियर फ्रेंड्स, वेयर अ समवन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 206, 206 के अंदर में समवन को इशू किया जाता है, द एक्यूज डिजायर्स टू पील गिल्टी टू द चार्ज विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट। एक्यूज की अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष उपस्थित होकर बिना आरोपी के दोषी ठहराए जाने की इच्छा रखता है। माय डियर फ्रेंड्स, मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा डाक द्वारा या दूत द्वारा एक पत्र जिसमें उसकी याचिका भी होगी और सम्मन भी दिए जाएंगे और जुर्माने की राशि भी होगी। ही शैल ट्रांसमिट टू द मजिस्ट्रेट बाय पोस्ट और बाय मैसेंजर अ लेटर कंटेंटिंग हिज पील एंड आल्सो द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन द समन्स। माय डियर फ्रेंड्स, आगे मैं बात करता हूँ 253 सबसेक्शन 2, द मजिस्ट्रेट मे इन हिज डायरेक्शन कन्वेंशन द एक्यूज इन हिज एब्सेंस ऑन हिज पील ऑफ गिल्टी एंड सेंटेंस हिम टू पे द फाइन स्पेसिफाइड इन द summons and the amount transmitted by the accused shall be adjusted towards the fine, or where a pleader authorized by the accused in this behalf pleads guilty on behalf of the accused, the magistrate shall record the appeal as nearly as possible in the word used by the pleader and may in his direction convict the accused on such plea and sentence him as aforesaid। My dear friends, जैसे कि मैंने अभी बताया 253 सबसेक्शन 2 कि मजिस्ट्रेट यानी कि कोर्ट अपने विवेक से अभियुक्त को उसकी अनुपस्थिति में दोषी ठहरा सकती है। दोषी की दलील पर और उसे सम्मन में निर्दिष्ट जुर्माना का भुगतान करने के लिए सजा दे सकती है और आरोपी द्वारा
प्रेक्षित राशि को उस जुर्माना या जुर्माने की ओर समायोजित किया जाएगा। जहां इस मामले में अभियुक्त द्वारा अधिकृत एक अभियुक्त अभियुक्त की ओर से दोषी ठहराता है, मजिस्ट्रेट याचिकाकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को रिकॉर्ड कर सकता है और अपने विवेक से अभियुक्त को ऐसी दलील और सजा सुना सकता है जैसे पूर्ण हो, पूर्वक्त है। माय डियर फ्रेंड्स एंड सेंटेंस इन ए फोर सेट, पूर्ण तक का मतलब ए फोर सेट। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे टू हंड्रेड फिफ्टी फोर ऑफ सीआरपीसी, प्रोसीजर वेन नॉट कन्विक्टेड, दोष सिद्ध ना होने पर प्रक्रिया क्या होगी। अगर दोषी नहीं है तो प्रक्रिया क्या होगी। सेक्शन 254 ऑफ सीआरपीसी टोल्ड अस, माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 254 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी, इफ द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज अंडर सेक्शन 252 और सेक्शन 253, द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हेयर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सर्च एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड ऑल्सो टू हेयर द एक्यूज एंड टेक ऑल सर्च एविडेंस एज ही प्रोड्यूस इन हिज डिफेंस। माई डियर फ्रेंड्स, यदि मजिस्ट्रेट को सेक्शन 252 और सेक्शन 253 के तहत दोषी नहीं ठहराता है, मजिस्ट्रेट अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन को सुनवाई करने और अभियोजन पक्ष के समर्थन में उत्पन्न होने वाले सभी सबूत यानी एविडेंस को लेने के लिए या आगे बढ़ाएगा और अभियुक्तों को सुनेगा, सुनवाई भी करेगा, ऐसे सभी सबूतों या सबूत जो वहां अपने बचाव में पेश कर सकता है। फ्रेंड्स, 252 सबसेक्शन 2 टोल्ड अस द मजिस्ट्रेट मे इफ ही थिंग्स फिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और द एक्यूज इशू अ समन टू एनी विटनेसेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट्स और अदर थिंग। माय डियर फ्रेंड, मजिस्ट्रेट यदि वह उचित समझे अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर किसी भी गवाह को सम्मन कर सकती है, उसे उपस्थित होने के लिए कह सकती है या किसी भी दस्तावेज या अन्य वस्तु का उत्पादन करने के लिए यानी कि लाने के लिए निर्देश दे सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 254 सब सेक्शन 3 टोल्ड अस द मजिस्ट्रेट मे बिफोर समनिंग एंड विटनेसेस ऑन सच द एप्लीकेशन रिक्वायर दैट इज द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ द विटनेसेस इनकर्ड
इन अटेंडिंग फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रायल बी डिपॉजिटेड इन कोर्ट। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया 254 सबसेक्शन 3, मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर किसी भी गवाह को बुलाने से पहले यह अवश्य कर सकता है कि ट्रायल के उद्देश्य के लिए, ट्रायल के पर्पज के लिए उपस्थित होने वाले गवाहों को उचित खर्चा दिया जाए या उचित खर्चा जमा कराया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और बात करते हैं हम सेक्शन 255 ऑफ सीआरपीसी, एक्विटल और कन्वेंशन। माय डियर फ्रेंड्स, एक्विटल एंड कन्वेंशन माय डियर फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया 255 सबसेक्शन 1 के अंदर कि दोष मुक्ति या दोष सिद्ध, इसका मतलब होता है दोष सिद्धि या दोष मुक्त। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम। इफ द मजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस रेफर टू इन द सेक्शन 254 एंड सर्च फॉर द एविडेंस इफ एनी एज ही मे ऑफ हिज ओन मोशन कॉज टू बी प्रोड्यूस फाइंड्स द एक्यूज्ड ऑन नॉट गिल्टी तो ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि 255 सबसेक्शन 1 के अंदर यदि मजिस्ट्रेट को धारा 254 में निर्दिष्ट साक्ष्य लेने पर इस तरह के अन्य सबूतों को देखकर यदि कोई हो तो वह अपनी गति के कारण उत्पन्न करने के कारण बनाता है तो आरोपी को दोष सिद्धि नहीं पाता है, उसने दोष नहीं किया है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, तो वह आदेश को रिकॉर्ड करेगा और उसको बरी कर देगा। माय डियर फ्रेंड्स, आगे मैं बात करता हूं टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव सबसेक्शन 2, वेयर द मजिस्ट्रेट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 325 और सेक्शन 360, he shall, if he finds the accused guilty, pass sentence upon him according to law। My dear friends, जहां मजिस्ट्रेट 325 और 360 के प्रावधानों के अनुसार आगे नहीं बढ़ता है, यदि वह आरोपी को दोषी पाता है तो कानून के अनुसार उस पर सजा सुनाई जाएगी। आगे मैं बात करता हूं 255 सबसेक्शन 3, आ मजिस्ट्रेट में अंडर सेक्शन 252 और सेक्शन 255 कन्विक्ट द एक्यूज ऑन एनी ऑफेंस ट्राइबल अंडर द चैप्टर which from the facts admitted or proved तो he appears to have committed whatever may be the nature of the complaint or summons
if the magistrate is satisfied that the accused could not be prejudiced thereby. My dear friends, धारा 252 के तहत 255 के तहत मजिस्ट्रेट इस अध्याय के तहत किसी भी अपराध के आरोपी को दोषी ठहरा सकता है जो स्वीकार किए गए सिद्ध किए गए तथ्यों से लगता है वह प्रतिबंध है जो भी शिकायत या सम्मन की प्रकृति हो सकती है। यदि मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट है कि आरोपी को वहां रखा नहीं जाएगा, माय डियर फ्रेंड्स, आगे मैं बात करूंगा 256 ऑफ सीआरपीसी सबसेक्शन 1 नॉन अपीयरेंस ऑफ डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। शिकायतकर्ता की गैर उपस्थिति या मृत्यु पर कंप्लेनेंट की डेथ हो जाती है या वो नहीं आता है। माय डियर फ्रेंड्स, इफ द समन हैज बीन इश्यूड ऑन कंप्लेनेंट या कंप्लेंट एंड ऑन द डे अपॉइंटेड फॉर द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड और एनी डे सब्सिक्वेंट देयर टू विच द हियरिंग मे बी एडजॉइंट the complainant does not appear the magistrate to shall notwithstanding anything herein before contended acquit the accused unless for some reason he thinks to proper to adjourn the hearing of the case to some other day। माय डियर फ्रेंड, 256 सबसेक्शन 1, यदि शिकायतकर्ता को सम्मन जारी किया गया है अभियुक्त की उपस्थिति के लिए नियुक्त किए गए दिन या किसी भी दिन के बाद जिस पर सुनवाई स्थगित की जा सकती है तो शिकायत अगर प्रकट नहीं होता है तो उसके बावजूद मजिस्ट्रेट कुछ भी नहीं समझेगा, निहित अभियुक्त को तब तक बरी करना तब तक कि किसी कारण से वजह किसी अन्य दिन मामले में सुनवाई स्थगित करना उचित ना समझे। माय डियर फ्रेंड्स, provide the where the complainant is presented provided that where the complainant is presented by the pleader or by the officer conducting the prosecution or where the magistrate is of opinion that the personal attendance of the complainant is not necessary, the magistrate may dispense with the attendance and produce with the case। My dear friends, जहां शिकायतकर्ता या याचिकाकर्ता अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी या प्रतिनिधि किया जाता है या मजिस्ट्रेट की राय है कि शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति अवश्य नहीं है तो मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति के साथ विवेचना कर सकता है और मामले के साथ आगे बढ़ सकता है।
उसे आगे कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, 256 सबसेक्शन 2, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 सेल सो फार एज मे बी अप्लाई आल्सो टू केस वेयर द नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट तो इज ड्यू टू हिज डेथ। माय डियर फ्रेंड, जहां तक हो सकता है कि इन मामलों में लागू होता है और शिकायतकर्ता की गैर उपस्थिति या उसकी मृत्यु के कारण, आगे बढ़ते हैं हम। माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि कंप्लेंट को कैसे विड्रॉल करें। 257 ऑफ CRPC अकॉर्डिंग विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट कर सकते हैं। सेक्शन 257 ऑफ CRPC टोल्ड अस विड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट की बात करता है। इफ अ कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर अ फाइनल ऑर्डर इज पास्ड इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर सेटिस्फाइज द मजिस्ट्रेट डेट देयर आर सफिशियंट ग्राउंड फॉर परमिटिंग हिम टू विड्रॉ हिज कंप्लेंट अगेंस्ट द एक्यूज और इफ देयर बी मोर देन वन एक्यूज अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ देम द मजिस्ट्रेट मे परमिट टू हिम विड्रॉल द सेम एंड सेल देयर अपॉन एक्विट द एक्यूज अगेंस्ट whom द कंप्लेंट इज सो विड्रॉन। माई डियर फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन 257 257 में शिकायत को वापस लेने का प्रावधान है। अगर कोई भी शिकायतकर्ता इस अध्याय के तहत किसी भी मामले में अंतिम आदेश देने से पहले किसी भी समय मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करता है, मजिस्ट्रेट को या कोर्ट को सेटिस्फाई करता है, आरोपी के खिलाफ उसकी शिकायत वापस लेने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार देता है, या यदि एक से अधिक आरोपी हैं तो सभी या उनमें से कोई भी मजिस्ट्रेट से वापस लेने की अनुमति दे सकता है और उसके बाद आरोपी को बरी कर देगा जिसके खिलाफ शिकायत वापस ली गई है। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा 258 ऑफ CRPC पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केस। माय डियर फ्रेंड्स, 298 में कुछ ऐसे मामलों में कार्रवाई को रोकने की शक्ति है। इन एनी समन्स केस instituted otherwise than upon complainant, a magistrate of the first class or with the provision section of the chief judicial magistrate and their on other judicial magistrate may for reasons to be recorded by him stop the proceeding at any stage without pronouncing and judgment and where such stoppage of proceeding is made after the evidence of the principal witness has been recorded pronounce a judgment of acquittal and in any other case
release the accused and such release shall have the effect of discharge. My dear friend, जैसे कि हम बात कर रहे थे 258 सेक्शन सीआरपीसी में कि कुछ मामलों में कार्रवाइयों को रोकने की शक्ति है कोर्ट को, किसी भी शिकायत के आधार पर किसी भी संबंध मामले को स्थगित किया गया है, प्रथम श्रेणी का एक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पिछली मंजूरी के साथ किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए ऐसी कार्रवाइयों को रोका जा सकता है बिना किसी निर्णय या निर्णय के आचरण, और जहां प्रावधान गवाहों के समक्ष दर्ज किए जाने के बाद कार्रवाई का ठहराव किया जाता है, बरी का फैसला सुनाते हैं और किसी भी अन्य मामले में आरोपी को रिहा कर सकते हैं। इस तरह की रिहाई का निर्वाह होगा सेक्शन 258 में सीआरपीसी। माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ये लास्ट सेक्शन है ऑफ समन ट्रायल का। इसी के साथ हम आगे बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स सेक्शन 259 ऑफ सीआरपीसी। अकॉर्डिंग टू अस, पावर ऑफ द कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केस। मैं दोबारा बताऊंगा कि सेक्शन 259 ऑफ सीआरपीसी, पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केस, यानी कि कोर्ट को पावर है कि समन केस को वारंट केस में चेंज कर दे, संबंध मामलों को वारंट मामले में परिवर्तन करने की शक्ति कोर्ट के पास है सेक्शन 259 में। कोर्ट को समन वारंट को माय डियर फ्रेंड्स दोबारा बताऊंगा कि 259 में पावर टू कोर्ट कन्वर्ट समन केस को, जो भी समन केस है उनको वारंट केस में चेंज कर सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, कि व्हेन इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल ऑफ अ समन केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 months, तो इट अपेयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस द ऑफेंस शुड बी ट्राइड इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोसीडिंग फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केस। सर्च मजिस्ट्रेट मे प्रोसीड टू रीहेयर द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड फॉर ट्रायल और वारंट केस एंड मे रिकॉल एनी विटनेसेस हु मे हैव बीन एग्जामिन्ड। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 259 में समन मामलों को परिवर्तन किया जा सकता है वारंट में, जबकि 6 महीने से अधिक के कारावास के साथ दंडनीय अपराध संबंधित एक समान मामले की सुनवाई के दौरान या मजिस्ट्रेट को लगता है कि न्याय के हितों में प्रक्रिया के अनुसार अपराध की कोशिश की जानी चाहिए, तो वारंट केसों की सुनवाई के लिए
उस कोर्ट के द्वारा प्रदान किए गए तरीके से मामले को फिर से सुनने के लिए आगे बढ़ा सकता है और किसी भी गवाह को याद कर सकता है और उनकी जांच हो सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा जो संबंध ट्रायल 291 से लेकर 259 सीआरपीसी में बताया वो समाप्त हो गया है। और माय डियर फ्रेंड्स, आगे मैं बात करूंगा समरी ट्रायल के बारे में अगली नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।